फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे शुरू करें, जेनेरिक दवा निर्माता कैसे बने। आज दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको दवा की जरूरत ना होती हो। इसका मतलब तो यही हुआ कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को दवा की जरूरत होती है। दवा जीवन रक्षक होती है, इसलिए इसका कोई मोल नहीं होता। दवा की कीमत जो कंपनी द्वारा निर्धारित होती है, प्रत्येक व्यक्ति उसको देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। वैसे भी आज के समय में बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ती आबादी के कारण पर्यावरण प्रदूषण से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता है। इसके अलावा आज की आधुनिक जीवन शैली की भागम भाग और उल्टे सीधे खान पान ने मानव जीवन में अनेक गंभीर बीमारियों का डेरा डाल दिया है। आज किसी भी गंभीर बीमारी के लिए कोई उम्र नहीं रह गई। पहले जमाने में कैंसर, हृदय रोग, टीबी, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, अस्थमा, थायराइड जैसी अनेक गंभीर बीमारियां एक उम्र में तय होती थी। आज के खान पान, रहन सहन के तौर तरीकों ने वो अब खत्म कर दिया है। आज 3 साल के बच्चे को भी कैंसर हो जाता है। कभी कभी 1 साल या इससे कम उम्र के बच्चे को भी गंभीर बीमारियों के होने की खबरें सामने आती हैं। इस तरह की खबरों को देखते हुए दवा यानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय सबसे अधिक अच्छा और सबसे अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाकर बिजनेस करने वालों को तरह तरह से प्रोत्साहित कर रही है। उद्यम शुरू करने के लिए लाइसेंसिंग आदि के लिए भागदौड़ और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उद्यमियों को इसका लाभ उठाते हुए नए नए बिजनेस शुरू करने चाहिए। भारत सरकार इसके साथ ही जेनेरिक दवाओं के कारोबार को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी पहल करते हुए डॉक्टरों से मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखने का आग्रह किया है। इसलिए जो भी उद्यमी फार्मास्यूटिकल कंपनी को शुरू करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस व्यवसाय की भारत में अपार संभावनाएं हैं और प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है। सबसे जरूरी क्या है इस बिजनेस के लिए? फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करने से पहले बिजनेसमैन के पास केमिकल का व्यवसाय शुरू करने के लिए बी फार्मा यानी कि फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। यदि ये डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो वो बिजनेसमैन इस कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकता। वैसे इसका विकल्प ये है कि बिजनेसमैन किसी अनुभवी फार्मासिस्ट को अपने बिजनेस के साथ जोड़ ले यानी सैलरी पर रख ले और उसके प्रमाण पत्र को बिजनेस को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करे। इसके साथ ही बिजनेसमैन को फार्मेसी यानी दवाओं के कारोबार का अच्छा अनुभव होना चाहिए। यदि अनुभव ना हो तो उसे किसी संस्थान से ट्रेनिंग या अनुभव ले लेना चाहिए। मार्केट में सॉल्ट के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। कंपनी शुरू करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि कंपनी में किस तरह की दवाएं या उपकरण का उत्पादन किया जाएगा। इसके बारे में बिजनेसमैन को अपने पास उपलब्ध दवा यानी कि फॉर्मूले यानी सॉल्ट को लेकर अपने बिजनेस वाले एरिया के दवा मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए। यदि आपके फॉर्मूले वाली दवा की मार्केट में अच्छी डिमांड है और उसकी सप्लाई कम है या नहीं है, तभी उस दवा के उत्पादन के बारे में सोचना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। जब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को शुरू करने का पक्का इरादा कर लें, तो आपको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप जगह जमीन से लेकर दवा उत्पादन और सेल करने के सभी तरीके, फंड आदि का विस्तार से जिक्र करें। इसके अलावा कंपनी को स्थापित करने के भारत सरकार और जिस राज्य में कंपनी को खोलना है उस राज्य सरकार के फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने के कानून और शर्तों का पालन करना चाहिए। आपको ड्रग लाइसेंस लेने के लिए कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारी छोटी बड़ी बातों का विस्तार पूर्वक जिक्र होना चाहिए। इसके आधार पर आपको सरकार से लोन, सब्सिडी और अन्य तरह के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेसमैन को सख्त चेतावनी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि कच्चा माल खरीदकर दवाओं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिकल उपकरणों को तैयार करके उनकी पैकिंग करके मार्केट में बेचना होता है। इसके लिए आपको फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने से पहले फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बेसिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। इस तरह की जानकारी के बिना फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत करना काफी खतरनाक हो सकता है। बिजनेसमैन को फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जानकारी के बिना भारी पूंजी से शुरू करने वाला बिजनेस बैठ भी सकता है। इस तरह से भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए बिजनेसमैन को सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से शुरू करें अपना बिजनेस। सबसे पहले कंपनी के लिए जमीन और बिल्डिंग की तलाश करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस तरह की बिल्डिंग को तलाशने के बाद उसे GMP स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार कराना होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की कंपनी की इमारत के बारे में आवश्यक शर्तों का भी पालन करना होगा। कंपनी परिसर में अनेक विभागों के अनुसार पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जैसे कच्चे माल को रखने के लिए आवश्यक स्टोर, निर्माण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आवश्यक जगह, मशीन आदि लगाने की जगह, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए जगह, ऑफिस के लिए जगह,
वेस्टेज गुड्स स्टोर के लिए जगह। इस बिल्डिंग में अनेक तरह की औषधियों के लिए अलग अलग सेक्शन भी बनाया जाना जरूरी है, जैसे बाहरी इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं, क्रीम, ऑइंटमेंट आदि के लिए 30 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। लिक्विड डोज यानी तरल दवाओं जैसे सिरप, सस्पेंशन आदि के लिए 30 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। सॉलिड डोजेस वाली दवाओं जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर के लिए मशीन आदि लगाने के लिए 120 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होगी। टैबलेट सेक्शन के लिए 60 वर्ग मीटर इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें कोटेड और अनकोटेड टैबलेट की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा कैप्सूल के प्रोडक्शन के लिए 30 वर्ग मीटर और पाउडर प्रोडक्शन के लिए 30 वर्ग मीटर की जगह चाहिए। कौन कौन से लाइसेंस चाहिए? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना के लिए अन्य तरह के बिजनेस से अलग हटकर सरकारी कार्यवाही पूरी करनी होती है। इसके लिए कई तरह की परमिशन की भी आवश्यकता होती है। कंपनी के लिए आवश्यक लाइसेंसों में जो प्रमुख लाइसेंस की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ इस प्रकार है। कंपनी का अच्छा सा आकर्षक नाम चुने। कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराएं। कंपनी का प्रारूप तय करें, ओबीसी, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट कंपनी बनानी है। केंद्र, राज्य सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन के नियमों का भी पालन करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र लें। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, टेस्टिंग लेबोरेटरी लाइसेंस, जीएसटी, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे फायर, पॉल्यूशन आदि विभाग। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस, जिसे ड्रग लाइसेंस भी कहते हैं, उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के माध्यम से बनवाना होता है। इसके अलावा राज्यों की राजधानियों में राज्य ड्रग कंट्रोलर भी नियुक्त होते हैं, उनसे ये लाइसेंस बनवाना होता है। ये स्टेट ड्रग कंट्रोलर राज्य सरकार द्वारा DCGI की गाइडलाइन के अनुसार ही नियुक्त किया जाता है। आप स्टेट ड्रग कंट्रोलर के यहाँ ही ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। जब ये आवेदन दस्तावेजों के साथ स्टेट ड्रग कंट्रोलर को प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ से एक अधिकारियों की टीम आपके संस्थान में निरीक्षण करने के लिए आती है। ये टीम वहाँ बारीकी से निरीक्षण करती है और जब उसे इमारत में निर्माण और बचाव के साधन आदि नियमानुसार मिलते हैं और वो टीम अपनी जाँच में संतुष्ट हो जाती है तो आपको ड्रग लाइसेंस दे देती है। उसके बाद आप अपना निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि टीम को आपके संस्थान के निर्माण आदि में सरकारी नियमों का उल्लंघन या कोई कमी मिलती है तो वो आपसे उस कमी को दूर करने के लिए कहेगी। उस कमी को दूर करने के साथ आपको प्रमाण के साथ उसे स्टेट ड्रग कंट्रोलर के यहाँ जमा करना होता है। उसके बाद पुनः कार्रवाई की जाती है। उसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। मशीनरी और एनालिटिकल इक्विपमेंट। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विभिन्न विभागों में तरह तरह की दवाएं बनाने के लिए कई तरह की मशीनों और एनालिटिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इस काम में आने वाले कुछ प्रमुख मशीनें इस प्रकार हैं। लिक्विड सिरप सस्पेंशन सेक्शन के लिए हाई स्पीड मिक्सर 1000 लीटर के लिए, स्टोरेज टैंक 1000 लीटर वाला जिसमें पहिए और ढक्कन हो, स्टोरेज टैंक 200 लीटर वाला जिसमें पहिए और ढक्कन हो, लिक्विड फिलिंग मशीन, पैकिंग कैप सीलिंग मशीन, लिक्विड छानने वाली मशीन, मेज, कैप्सूल टेबलेट पाउडर बनाने के लिए एयर कंप्रेशर, एयर कंडीशनर, बिल्स्टर पैकिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, कैप्सूल लोडर, टेबलेट पंचिंग मशीन, कोटिंग पैन, सिफ्टर, मिक्सर 100 किलोग्राम वाला, ड्रायर ट्रे, डबल कोन ब्लेंडर, पाउडर भरने और सील करने वाली मशीन। इसके अलावा कुछ अन्य मशीनों की भी आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं: दवाओं के बैच प्रिंटिंग मशीन, आरओ प्लांट, लैब उपकरण, एयर हैंडलिंग यूनिट। कंपनी में काम करने वाले टेक्निकल स्टाफ कितने चाहिए? अनेक तरह की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अलग अलग संख्या में कुशल अनुभवी टेक्निकल और अकुशल कर्मचारियों की जरूरत होती है। आमतौर पर बताया जाता है कि GMP स्टैंडर्ड के नियमों के अनुसार किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कम से कम 2 टेक्निकल अनुभवी स्टाफ की आवश्यकता होती है। इसमें से 1 टेक्निकल स्टाफ कंपनी में हो रहे दवा निर्माण की प्रक्रिया की देखरेख के लिए तैनात होना चाहिए। वो अपनी देखरेख में दवाओं का निर्माण यानी उत्पादन कराए, किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत उसका समाधान भी कराए। दूसरे टेक्निकल स्टाफ को चाहिए कि वो एनालिटिकल प्रोसेस की मॉनिटरिंग करे, उसे चाहिए कि वो क्वालिटी कंट्रोल करे। मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में काम करने वाले व्यक्ति का नाम मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, प्रोडक्शन केमिस्ट, प्रोडक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर के रूप में लिखें। जो व्यक्ति एनालिटिकल प्रोसेस को पूरा करवा रहा है उसका नाम क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में लिखें, ताकि उन लोगों की जिम्मेदारियां तय की जा सके और किसी तरह की समस्या होने पर उनको पहचाना जा सके और उनसे काम करवाया जा सके। कंपनी स्थापित करने में कितनी लागत आती है?
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्थापित करना बड़ा काम है। इसमें बड़ी पूंजी लगाई जाती है। जो बिजनेसमैन एक बार में ही मोटी पूंजी लगाकर लंबे समय तक मुनाफा कमाना चाहते हो, उनके लिए ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल सही है। वैसे इस तरह की कंपनी को स्थापित करने के लिए कोई फिक्स लागत नहीं है, क्योंकि विभिन्न शहरों के अनुसार जमीन या कंपनी इमारत की कीमत और किराया अलग अलग होता है। इसके अलावा कई अन्य जरूरत के सामान की कीमत भी अलग अलग होती है। इसके बावजूद इस बिजनेस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक औसत दर्जे की कंपनी को स्थापित करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की जरूरत होती है। मुनाफा कितना मिलता है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और इसका बिजनेस दो तरह से होता है। एक बिजनेस दवाओं के सॉल्ट को कंपनी अपने नाम से पेटेंट करा लेती है, तो उस सॉल्ट पर उस कंपनी की मोनोपोली हो जाती है। उससे वो अपने सॉल्ट की कोई भी कीमत वसूल सकती है। इसका उदाहरण, आजकल मार्केट में महंगी महंगी दवाएं हैं। इसका कारण ये है कि कंपनी अपने सॉल्ट को हिट करने के लिए उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑफर स्कीम आदि पर बहुत अधिक खर्च करती है। उसका भी औसत उसे अपने सॉल्ट से ही निकालना होता है। दूसरा, आजकल भारत में जेनेरिक दवाओं का प्रचलन रहा है। इस तरह के बिजनेस में कोई भी जेनेरिक दवा निर्माता किसी भी मशहूर कंपनी के सॉल्ट को लेकर कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, उसका नाम अपनी इच्छा अनुसार रखता है, यानी उसके नाम की नकल नहीं करता है। उस सॉल्ट का वो कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं करता, केवल डॉक्टरों और बड़े बड़े अस्पतालों में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। इसलिए वो अपना प्रोडक्ट पेटेंट दवाओं के रेट से बहुत कम रेट पर बेचता है। इन दो तरीकों से इस बिजनेस को करने से बिजनेसमैन अलग अलग तरह का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमा सकता है। पहले तरीके यानी पेटेंट कराने वाले बिजनेसमैन को अपने सॉल्ट पर 50 से 60% तक का मुनाफा मिलता है। दूसरे तरीके से यानी जेनेरिक दवाएं बनाने वाले बिजनेसमैन को औसतन 25 से 30% तक का मुनाफा मिल सकता है। जेनेरिक दवाओं के निर्माता कैसे बने? इसमें आपको कोई अलग से प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी प्रक्रिया किसी भी तरह के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर की तरह ही पूरी करनी होती है। बस इसमें आवेदन करते समय जेनेरिक दवाओं के बनाने का जिक्र करना होता है। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का भी हिस्सा बनना होता है। साथ ही MSME में रजिस्ट्रेशन कराकर उद्योग आधार हासिल करना होता है। इसमें बिजनेसमैन का माइनस पॉइंट ये है कि वो अपने द्वारा किसी भी तरह की बनाई गई दवा का पेटेंट नहीं करा सकता है। इस तरह के बिजनेस में किसी भी तरह की बड़ी पाबंदी नहीं होती है। बिजनेसमैन सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की सॉल्ट को लेकर प्रोडक्ट तैयार करके अपना व्यापार चला सकता है और उससे अधिक से अधिक लाभ भी हासिल कर सकता है। उसे मार्केटिंग के लिए अस्पतालों, क्लिनिकों, मेडिकल स्टोर, दवा मार्केट और हर गली नुक्कड़ पर बैठे सभी तरह के डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए MR यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लंबी चौड़ी फौज उतारनी होती है। इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है।